Good morning, students. Welcome to Kavaneer Science Class. I am your science teacher, Sweta Tiwari. Students, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट के दो टॉपिक्स पढ़े थे. इसका नाम था होलोफाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोफाइटिक वह न्यूट्रिशन जिसमें इनऑर्गेनिक फूड लेते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स लेते हैं वो इनऑर्गेनिक फूड लेते हैं फ्रॉम एनवायरमेंट से एंड बनाते हैं. जैसे इनऑर्गेनिक फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं होलोफाइटिक. ठीक है. एंड नेक्स्ट टॉपिक था हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक फूड होते हैं, जैसे प्लांट्स एनिमल्स ये सब जो अपना खाना ऑर्गेनिक फूड के रूप में लेते हैं और अपना खाना खाते हैं और जो उसे ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है. तो आगे आप लोगों को इतना समझ में तो कर रहा हूँ. नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्स ऑफ न्यूट्रिशन. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्स ऑफ न्यूट्रिशन. एम ओ डी ई एस मॉड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देखिए हम ग्रुप बना सकते हैं तीन दो ग्रुप के बेस पे, ऑटोट्रॉफ और हाइड्रोट्रॉफ, जिसे बोलते हैं सहजीवी और परजीवी. पहला है ऑटोट्रॉफ, टू ट्रॉप्स. सेकेंड हमारा हाइड्रोट्रॉफ. इन दो ग्रुप के बेस पे हम अकॉर्डिंग के अनुसार अपना अपने जो मॉड्स ऑफ न्यूट्रिशन है उसको डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. आगे समझ में. अब देखिए ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. वो लिविंग बींग्स जो अपना खाना खुद बनाने में केपेबल होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स. ठीक है. जैसे ग्रीन प्लांट्स. आगे समझ में. एंड नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोट्रॉप. हाइड्रोट्रॉप किसे कहते हैं. ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट डिपेंड ऑन फूड एंड दे आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. देखिए अब वो हाइड्रोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते लेकिन दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम हाइड्रोट्रॉप्स. ठीक है. जैसे कि अमरबेल. इसका एग्जाम्पल क्या सबसे अच्छा. अमरबेल जो अपना खाना खुद नहीं बनाती, हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहती है. जो हाइड्रोट्रॉप वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते. आगे आपको इतना समझ में. अब देखिए ऑटोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑटोट्रॉप्स मोड. जो ऑटोट्रॉप्स मोड होता है जिसे बोलते हैं सहजीवी, हेटरोट्रॉप को परजीवी. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है विदाउट ऑटोट्रॉप्स. Now let's start. Green plants produce food that is used by other living organisms who are incapable preparing their own food. Green plants produce, जो green plants होते हैं वो अपना खाना खुद produce करते हैं. That is used by other living organisms. Other living जो organism होते हैं उनके द्वारा. Who are incapable preparing their own food. जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, कैपेबल नहीं होते हैं. ऑटोट्रॉप्स आर देयर फॉर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर. और जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो उन्हें खाना उत्पन्न करके देते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक. ठीक है. जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स में ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, खुद कैपेबल नहीं होते, जिन्हें हम क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. ठीक है. अब फूड मेकिंग प्रोसेस इन ऑटोट्रॉप. अब देखिए ऑटोट्रॉप में फूड मेकिंग प्रोसेस कैसे होती है. ठीक है. तो हमारा टॉपिक है फूड मेकिंग प्रोसेस इन ऑटोट्रॉप. ऑटोट्रॉप में फूड मेकिंग प्रोसेस कैसे होती है. ठीक है. देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको लीफ दिख रही है, हमने यहाँ एरो लगाया है, इसका मतलब है वाटर एंड मिनरल्स.
ऑक्सीजन, ये आपको सनलाइट दिख रहा है, ठीक है। द केमिकल प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए जो ग्रीन केमिकल प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो खाना बनाते हैं प्लांट वो होती है केमिकल प्रोसेस होती है, जिसमें ग्रीन प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे आया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कार्बन डाई कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़े हुए रहते हैं एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसके साथ क्या रहता है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल्स सन की प्रेजेंट में अपना खाना बनाते हैं फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। सीधी सिंपल मेथड में बताऊं यदि आपको, तो ये जो सन होता है, सन की जो रेस निकलती है, इसकी जो रेस जब लीफ पे लगती है तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है लीव्स में और जो वाटर होता है और जो मिनरल्स होते हैं वो तीनों मिलकर ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जिसके थ्रू खाना प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब देखिए प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा। अब जैसे मैं आपको एक डायग्राम बताऊं केवल लीव्स का, ये दिख रहा आप लोगों को डायग्राम, इसमें क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। तो जो लीव्स होती है, एक लीव्स का यदि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो उसमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज करता है, जब ये लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है जिसके थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकलती है थ्रू पोर्स ऑन, किसके थ्रू निकलती है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलती है। दे टेक इन वाटर एंड मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, और क्या करते हैं वो रूट्स के थ्रू मिनरल्स और वाटर को लेते हैं। आप लोग को पता है जो प्लांट्स में पतली पतली स्मॉल स्मॉल जो वेसल्स होती है उसके थ्रू वो वाटर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स से क्या लेते हैं, वाटर भी लेते हैं और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। टेकिंग वाटर एंड मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, रूट्स के थ्रू रूट्स की हेल्प से वो वाटर और मिनरल्स लेते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कम्बाइन विद एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये CO2 होती है जिसे हम शॉर्ट केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं CO2 एंड वाटर, वाटर को बोलते हैं H2O, तो ये वाटर और केमिकल होती है मिलकर वेन एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और सनलाइट से एनर्जी मिलती है ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल एंड रिटेज हरियर इन, तो ये क्लोरोफिल होता है वो इसमें पहुंचता है एंड द प्रोसेस कार्बन कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन आर फॉर्मेड, जिसमें क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड को कार में चेंज कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करते हैं, मतलब जो CO2 है H2O को कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन में फॉर्मेट हो जाती है। तो आगे आप लोगों को समझ में, बाकी की नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।